सप्टेंबर रोजी रात्री 8 वाजताच्या सुमारास लकडगंज पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार एक व्यक्ती रस्त्यावरून जात असताना 5 चोरट्यांनी त्याच्यावर जीवघेणा हल्ला करून त्याच्याजवळील पैसे चोरून तिथून पळ काढला. पोलिसांनी लगेच तपास सुरू करून 29 सप्टेंबर रोजी एकूण 8 आरोपींना ताब्यात घेतले आहे व काही रक्कमही जप्त केली आहे. दिनांक 27 सप्टेंबर रोजी रात्री 8 वाजताच्या सुमारास लकडगंज पोलिसांना माहिती मिळाली की एक व्यक्ती आपली बॅग ज्यात 20 लाख रुपये रक्कम आहे ती घेऊन रस्त्यावरून जात असताना अज्ञात 5 जणांनी येऊन त्याच्यावर चाकूने जीवघेणा वार करून फिर्यादीची बॅग घेऊन पळून गेले आहेत. पोलिसांना माहिती मिळताच क्राईम ब्रांच युनिट 3 चे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आणि तपासाला सुरुवात केली. दिनांक 29 सप्टेंबर रोजी पोलिसांनी गुन्ह्यात सहभागी 4 आरोपींना व तसेच आरोपींची पैसे ठेवण्यात मदत करणाऱ्या 4 साथीदारांना असे एकूण 8 जणांना ताब्यात घेतले आहे. तपासणी व आरोपींची चौकशी करत असताना त्यांच्याकडून 14 लाख रुपये रक्कम पोलिसांनी जप्त केली आहे. 3 मोटरसायकल आणि चाकू देखील पोलिसांनी जप्त केला आहे आणि गुन्ह्यात सहभागी 1 आरोपी अजूनही फरार आहे ज्याचा शोध पोलीस घेत आहेत. दिनांक 27 सितंबर को रात को करीबन 8 बजे पुलिस को जानकारी मिली कि एक व्यक्ति बैग में कुछ कैश लिए जा रहा था, उसको 5 लोगों ने उसे अड़ाकर उसके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर उसकी बैग छीनी जिसमें करीब 20 लाख के करीबन कैश थी. जब जानकारी मिली तब पुलिस स्टेशन के साथ में क्राइम ब्रांच का पूरा स्टाफ वहाँ पर पहुँच गया और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई. और कल रात देर क्राइम ब्रांच के यूनिट 3 ने इस वारदात में इसको जिन्होंने अंजाम दिया ऐसे 4 लोगों को जो प्रत्यक्ष रीत्या वहाँ पर सहभागी थे और 4 ऐसे लोग कि जिन्होंने इनको टिप दिया या फिर पैसे रखने में मदद की, ऐसे कुल 8 आरोपियों को अभी ताबे में लिया है. उनसे पूछताछ चल रही है. इनको अरेस्ट करने के बाद इन 4 लोगों की कस्टडी से हमें करीबन 14 लाख के करीब कैश, 3 मोटरसाइकिल्स और 1 चाकू बरामद किया गया है. 1 आरोपी अभी भी फरार है, उसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं. सर, क्या टिप देकर पूरी घटना को अंजाम दिया गया था? आप प्राथमिक जानकारी क्या जानते हैं? बिल्कुल, ये टिप देकर और पूरी तरह रेकी करके इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था. और जिसने टिप दिया है वह एक कंपनी में काम करने वाला लड़का है. और जो 4 लड़के हैं उनमें से कुछ लड़के हैं ये अभी BCom की पढ़ाई कर रहे हैं, सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरीके से वो लोग हैं. सर, इसमें 2 हत्या मामलों में शामिल अपराधियों का भी समावेश है, कौन है और क्या जानकारी? बिल्कुल, इसमें अभी 2 लोगों का रिकॉर्ड हमें पता चला है, बाकी लोगों का भी रिकॉर्ड हम लोग तलाश रहे हैं. इनके ऊपर पुराने जो भी ऑफेंसेस होंगे उसका हम लोग रिकॉर्ड बना के इसमें कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते तो वो उसका भी हम लोग जायज़ा ले रहे हैं. सर, क्या ये पूरा कैश हवाला क्या था, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? अभी तक तो ये कोई इसमें हम लोगों ने ज़्यादा तफ्तीश नहीं की है, लेकिन उस एंगल पर भी इन्वेस्टिगेशन होगा. VKB न्यूज़साठी कैमरा पर्सन रोशन बोकडे सह ऐश्वर्या शिंदे यांची रिपोर्ट. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.